राजस्थान में एक और आईएएस ने अफसरशाही पर करप्शन का दाग लगाया है। एनआरएचएम रिश्वतखोरी मामले में आरोपी आईएएस नीरज के पवन से एसीबी ने पूछताछ की। एसीबी की छापेमारी के दौरान आईएएस अफसर के ठिकानों से लाखों की शराब भी जब्त की गई। एनआरएचएम की टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोप से घिरे आईएएस अधिकारी नीरज के पवन के जयपुर स्थित दफ्तर और घर पर एसीबी की 20 टीमों ने छापेमारी की। नीरज के पवन पर आरोप है कि उन्होंने पाली में कलेक्टर के पद पर रहते हुए एनआरएचएम की टेंडर प्रक्रिया में धांधली की थी और 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। लाल है जिसका नाम अजीत कुमार सोनी, आपने इसमें देखा होगा, नाम दिया हुआ है। यह सिंगल विंडो की तरह ऑपरेट करता है। जो इससे मिल लेगा, जो इसके शर्त को मान लेगा, उसी को ये टेंडर में पार्टिसिपेट कराते हैं या टेंडर अलॉट कराते हैं। वो पहले से प्री डिसाइडेड रहता है और जो बरदास्त है वो शिकायत के हिसाब से नीरज कुमार पवन का है। वहीं मामले में नीरज के पवन ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मुझे संपूर्ण न्याय व्यवस्था पर, संपूर्ण व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। कुछ सूचनाएं हो सकता है विभाग को मिली हों, विभाग ने अपनी कार्रवाई संतुष्टि के लिए उन्होंने की और उसके उपरांत उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो निर्णय लिया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी ओर से अपने जिस भी भूमिका में रहा हूँ उस पर मैंने कभी कुछ गलत नहीं करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं पर कोई शिकायत है, कोई सूचना कहीं से किसी को मिली है, तो उसकी संतुष्टि के लिए उन लोगों ने अब पूरी यहाँ पर विस्तार पूर्वक जांच की है। कहा यह जा रहा है कि नीरज के पवन के लिए दलाली का काम करने वाले अजीत सोनी के बीजेपी से गहरे ताल्लुकात हैं और वो बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में भी हैं, लेकिन बीजेपी इससे इनकार कर रही है और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। अपने जांच का काम कर रही है, जो भी जांच में आएंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। मैंने पहले ही कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, हम सब कानून के अंतर्गत काम करने वाले आज़ाद भारत के नागरिक हैं और संविधान के अनुरूप काम होता है। हम उस कानून के अंतर्गत ही निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई। बहरहाल आईएएस नीरज के पवन से एसीबी ने पूछताछ की है, लेकिन रिश्वतखोरी के मामले में एक सीनियर आईएएस अधिकारी पर आरोप लगना सवाल खड़े करता है कि जिनकी जिम्मेदारी सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की होती है, वही रिश्वतखोरी करने लगे तो फिर आम लोगों तक इन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचेगा? आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और ये पूरा मामला है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार के टेंडर में घुसखोरी का। छापेमारी में कई अहम खुलासे हुए हैं जो बताते हैं कि किस तरह से ब्रोकर्स के शिकंजे में आ गई है ब्यूरोक्रेसी। 19 जगह के एक साथ छापेमारी की गई, 110 अफसरों की 22 टीमों की कार्रवाई 12 घंटे तक चली और क्या क्या इसमें रिकवर हुआ ये आपको बताएंगे। नीरज के पवन के घर से $4,200 मिले जो अवैध हैं, शराब और गिफ्टेड गाड़ियां भी जब्त की गई। दलाल अजीत सोनी के घर से एक कागज मिला जिसमें रिश्वत के लेन देन का हिसाब किताब बताया गया है और अजीत सोनी के घर से ही 1,65,00,000 रुपए के भूखंडों में निवेश और 10 बैंक खातों की कई पासबुक मिली हैं। हाउसिंग बोर्ड में कमिश्नर रहते अलॉट गेस्ट हाउस को नीरज के पवन ने आज तक खाली नहीं किया है, ये भी आरोप लगा है। तो ये सारे घोटाले और नीरज के पवन कोई पहला नाम नहीं है, इससे पहले भी संधू और उसके अलावा ओमकार, जो आज इनकी जमानत अर्जी पे सुनवाई होनी है, और इसके पहले हबीब खान गौरान, कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए दाग लगाया है अफसरशाही पर। आगे बढ़ेंगे, चुरू एसीबी ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सादुलपुर तहसील के सिद्धमुख में उप पंजीयक कार्यालय में कार्यरत लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उप पंजीयक कार्यालय सिद्धमुख में कार्यरत लिपिक हरदयाल राम ने 3 बीघा खेत की रजिस्ट्री करवाने के एवज में परिवादी सुरेंद्र से 5,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर परिवादी ने एसीबी की शिकायत की। मामले का सत्यापन कराने के बाद एसीबी ने हरदयाल राम और कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
5000 की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ उसके गिरफ्तार किया गया है और उसको और अमित नाम का जो वहाँ पे कर्मचारी लगा रखा था उन्होंने अपने स्तर पे कंप्यूटर ऑपरेटर उसको भी गिरफ्तार किया।